लोग बड़ी शांति से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आदरणीय सुखना बहन आ चुकी है, साथ में ऋषि जी हैं और राजेश्वरी जी हैं और हमारे सभासद जी राम गणेश जी हैं। सभी लोग पधार चुके हैं और इस विद्यालय के मालिक श्री प्रदीप शुक्ल जी, सीबीआर विद्यालय के प्रबंधक और क्रिएटिव कॉन्वेंट कॉलेज के योगेंद्र सजान जी बैठे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। अनुज मिश्रा जी हैं और रिंकू पांडे जी भी हैं। सब लोग आज उपस्थित हैं और इस क्षेत्र से हम लोग मीटिंग और प्रचार तो है ही है, लेकिन ये मान के चलिए कि हम जीत का जश्न उठा रहे हैं और मना रहे हैं। ये जीत है, बहुत जोरदार जीत और अखंड जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुस्ता जी के लिए मैं दो लाइन कहूंगा, उसके बाद आपका सम्मान होगा, फिर माइक मैं उनको दे दूंगा। होके मायूस नहीं शाम सा करते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक एक ठोर पर फैलेंगे, रुक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही आगे को बढ़ते रहिए। के साथ आपकी इतनी व्यस्तता होने के बाद भी क्योंकि सारा कार्यक्रम आपको कार्यालय भाजपा परिवार से मिलता है और संगठन से मिलता है, उस व्यस्तता में भी आपने समय निकाला और आपके बारे में जान लीजिए कि आप शुरू से जब से हम लोग जानते हैं आपकी एक सहेली बैठी हुई है, तो हम भी 25-30 साल उपस्थित हैं। आपकी कर्मठता, आपका भाव, दया, करुणा, स्नेह और आपकी व्यक्तित्व इस बात को दर्शाता है, जिसने देखा है आपका कार्य क्षेत्र। आप किसी भी कार्य में, चाहे नगर निगम हो, चाहे बिजली का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, जबरदस्ती खड़े होकर कि ये काम किसको करना है तो कराएंगे, मानती थी जब आप तक ये आपका भाव रहा है। और आज यहाँ पर इस क्षेत्र के जो सभासद जी हैं राम गणेश जी, इन्होंने बड़ा परिश्रम किया, मेहनत किया है, इनको आप लोग जोरदार मतों से दिखाइए। और प्रीतम सिंह जी हैं, प्रवीण त्रिपाठी जी हैं, अशोक श्रीवास्तव जी हैं, बलवीर सिंह जी हैं, जेपी सिंह जी हैं, ब्रजेश मिश्र जी हैं, संचित सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, रंजीत सौस्ती जी हैं, अवय द्विवेदी जी हैं, श्रीमती कमलेश शर्मा हैं जो वरिष्ठ कार्यकर्ता महिला हैं भाजपा से, पूर्व अध्यक्ष सुमन सिंह हैं, टीम के साथ आज आई हुई हैं, और ललिता जी हैं, रंजीत सिंह जी हैं, सारे विद्यालय से जुड़े हुए पेरेंट्स और सामाजिक कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ये बात अलग है, हमारा विद्यालय थोड़ा छोटा है लेकिन लोगों के साथ हमारा व्यवहार और प्रेम बहुत ज़्यादा है। मैं इन सबको के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय कम है, आपकी व्यस्तता ज़्यादा है। अब मैं चाहूँगा कि आपका सम्मान श्री प्रदीप शुक्ला जी, यहाँ के विद्यालय के मालिक, करें। माननीय सुषमा जी का फुकों के द्वारा आप सम्मान करें। और इसके बाद आपकी परम प्रिय परम मित्र राजेश जी का सम्मान आप करें। और हमारे साथ जोशी जी हैं, बाल पाणी जी हैं, बड़े जोशी जी जहां कहीं हो अंदाजा ने कष्ट करें, और श्रीमती किनारा मिश्रा जी का सम्मान करें। बहुत समय किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और माननीय अनुज मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष, जो पूरी तरह से थोड़े सत्तर के साथ लगे हुए हैं, और क्रिएटिव कॉन्वेंट के प्रबंधक माननीय योगेश सजान जी, और मंडल एरिया प्रभारी राहुल मिश्रा जी। समय कम है, इसके पिछली टिक्की पर वो रिंकू पांडे जी मंडल प्रभारी हैं और दो बार चुनाव लड़ चुके हैं,
विद्यालय के बारे में आपको याद किया, बहुत अच्छी बात है। और सभी लोगों को बहुत बहुत देखिए, सबका नाम लेना संभव नहीं है, कम समय में सबसे निवेदन करूंगा जिसका नाम रह गया हो वो क्षमा चाहते हैं। और सबके साथ आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी जो भी बड़ी से बड़ी है, सब कुछ होते हुए आज आपका सम्मान हो रहा है। और आप लोग ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि विकार मत से आपकी जीत हो, जोरदार तालियों के साथ। आचार्य डॉक्टर राधाकृष्ण जी का भी सम्मान होना चाहिए, तो चाहूंगा रामेंद्र शर्मा जी, पार्षद जी, आज माननीय जी, आज भी आपका स्वागत करें, क्योंकि गुरु पर भया, गुरु की कृपा होगी तो हम निशंक भी पालेंगे। हम तो यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, गुरु भी हमारे लिए सौपनी होता है, चाहूंगा गुरु जी का स्वागत किया जाए। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए गुरु जी का। ये 5-7 दिन है हमारे लिए, 24 घंटे
आपको दे रहे हैं। 4 तारीख की शाम को आप आराम करिए, उसके बाद आप उत्साह बनाइए। उसके बाद मेरा सभासद भाई राम नरेश रावत जी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंडिया की सरकार है। पहला इंडिया तो केंद्र, दूसरा इंडिया तो प्रदेश, तीसरा इंडिया लखनऊ। अगर इंडिया के साथ जितने नहीं जुड़ेंगे तो कोई काम नहीं होगा, गाड़ी नहीं चलेगी, खड़ा रहेगा इंडिया। इंडिया के साथ जितनों को जोड़ने की ड्यूटी आपकी है, और 110 अगर जितने जुड़ गए तो विपक्ष खत्म, फिर कोई मतलब ही नहीं। जैसे आप लोगों ने विधानसभा में किया है, विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया है, ऐसे में शादी के नगर निगम में भी विपक्ष खत्म हो गया। विकास की गाड़ी अगर चलानी है तो उसमें 110 डिब्बे बहुत जरूरी है। तो बाकी काफी समय हो गया है, मैं वादा तो कुछ करना नहीं करूँगी नहीं, कहते हैं कि वादा करते हैं निभाते नहीं। इसलिए आप जो उन्हें कहोगे, आपके हर आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं भी एक जमीन में कार्य करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाती है। और पार्टियों में आपके पास पैसा है, आप टिकट खरीद सकते हैं। आप उस परिवार से जुड़े हैं, एक परिवार से आप टिकट खरीद सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी नहीं देखती, मेरी तो ऐसे भी नहीं जितना, मेरे पास कहाँ इतना है इतना बड़ा चुनाव करने के लिए, नहीं है। पार्टी लड़ा रही है, मेरा तो सिर्फ एक काम है कि 6:30 बजे घर से निकल जाती हूँ, 12 बजे घर पहुँचती हूँ, सच को मिलना मिलाना। बाकी चुनाव कौन लड़ा रहा है, चुनाव मुझे मेरे कार्यकर्ता पत्र लड़ा रहे हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष लड़ा रहे हैं, आप सब लड़ा रहे हैं, जनता लड़ा रही है। मैं तो खाली घूम घूम के आप लोगों को नमस्ते कर रही हूँ। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी पार्टी में। हम लोग 5 पार्टियों से 5 कैंडिडेट हैं। बीजेपी से मैं, सपा से मनुका मिश्रा जी, बसपा से साई, कांग्रेस से जयसवाल। इन चारों प्रत्याशियों का कोई दायित्व कैरियर नहीं है, चारों प्रत्याशियों का आई है चुनाव लड़ने के चले गए। राजनीतिक कैरियर, समाज के साथ जुड़ने का कैरियर सिर्फ अकेला मेरा है 35 साल से, जिसका मुझे लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं पर नजर है, कहाँ कब क्या देना है। आज मुझे इधर दिखाया है, इन्हीं में से कोई आप कल आप यहाँ बैठेंगे, इन्हीं में से कोई हमारा मंडल अध्यक्ष बनेगा, इन्हीं में से कोई हमारा नगर अध्यक्ष बनेगा, इन्हीं में से कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। जो भी अभी तक पदाधिकारी बने हैं, किसी को यह पता नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे। आपने भूपेंद्र सिंह का नाम सुना है क्या? आपने सोचा कि हम हिंदुस्तान के अध्यक्ष होंगे? भाई मंडल अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो मंडल अध्यक्ष बनेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इतना बड़ा पद मिलेगा। मैं और क्षेत्र के अध्यक्ष बन गए, मेरे कमरे में कैसे तक आपको